आज हमारी इस गाड़ी में लास्ट राइड है। हमने सोचा कि चलो बच्चों को भी ले जाते हैं थोड़ी देर। ये गाड़ी लकी तो रही हमारे लिए, इसीलिए हमने इसको 10 ईयर रखा। ये बकरा हलाल करने से पहले खिलाया जा रहा है। और देखो YouTube चैनल, मैं सुधा रावत सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ से फिर से आपके साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और फ्रेंड्स, आज हमारे लिए बहुत ही स्पेशल डे है। आज हमारी इस गाड़ी में लास्ट राइड है। हमने सोचा कि चलो बच्चों को भी ले जाते हैं थोड़ी देर, क्योंकि आज ये गाड़ी वैसे मेरी फेवरेट गाड़ी रही है। बट लाइफ में मतलब चेंज आना तो एक स्वाभाविक है, क्योंकि जिंदगी है तो बदलती रहती है, सेम तो कुछ नहीं रहता लाइफ में। तो इसी तरह से आज भी कुछ एक्साइटेड होने वाला है। तो हमने सोचा कि सुबह सुबह एक राइड ली जाए इस गाड़ी में, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देख ही लिया होगा। बट हमने सोचा कि चलो एक बार बच्चों को भी एक राइड दी जाए। तो क्या बोलते हैं, बस एक राइड लेने आए थे हम इस प्यारी सी कार में, मेरी फेवरेट कार में। और बस बाकी तो आगे आपको देखो क्या होता है। तो बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं तैयार होने के बाद। 2 hours later हाय फ्रेंड्स, हम लोग निकल गए हैं और फिलहाल हम दोनों ही जाएंगे। रावत जी कुछ बोल लो, क्या एक्साइटमेंट है आपको? एक्साइटमेंट तो है और साथ साथ ये भी है कि ये चली जाएगी। ये तो जाएगी। 10 साल इसने साथ दिया, कहीं भी रास्ते में कैसे भी रास्ता हो, कहाँ कहाँ लेके गए इसको हम, अमरनाथ और उसके अलावा कश्मीर, स्पीति, हर जगह लेके गए। और इस गाड़ी ने कभी भी हमें खड़े नहीं होने दिया कहीं भी, मतलब कहीं रुकी नहीं, कहीं कुछ नहीं, कहीं प्रॉब्लम दुख नहीं हुई, दुख बन दिया। एक्साइटमेंट तो है खैर नई चीज के लिए, अगर बस में होता इसको भी रख लेते हम। दूसरा, ये गाड़ी लकी तो रही हमारे लिए, इसीलिए हमने इसको 10 ईयर रखा, क्योंकि इसने कभी हमें तंग किया नहीं। एंड फिलहाल हम दोनों ही जा रहे हैं गाड़ी की डिलीवरी के लिए, क्योंकि टाइम लगेगा वहाँ पर और बच्चे या मम्मी पापा भी वेट नहीं करेंगे। तो वही पापा लोग बोल रहे थे कि आप लोग चले जाओ, दोनों जने कोई बात नहीं, हम घर में आके गाड़ी देख लेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग पहुँचने वाले हैं शोरूम में और ये लास्ट है इस कार में। सच्ची बहुत अच्छी गाड़ी है यार, थोड़ा सा ऐसे ऐसे सा हो रहा है कि ये गाड़ी चली जाएगी हमारी। बट चलो, नई चीज़ आएगी तो ऑब्वियसली बात है कुछ नया लेके आएगी। तो बस थोड़ा सा और इंतज़ार, बस पहुँचने ही वाले हैं हम लोग। आपसे मिलते हैं सीधा शोरूम में। हम लोग पहुँच गए हैं। सारी मासूम सी खुशियाँ पहुँच गए हैं और रावत जी कर रहे हैं कुछ फॉर्मेलिटीज जो है। तो मैं थोड़ा सा बैठती हूँ कहीं पे, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा फिर काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह वैसे ऑलमोस्ट इन्होंने कल कर दी थी, बट फिर भी बाहर निकलते निकलते टाइम हो जाएगा हमें। तो अभी रावत जी गए हुए हैं बाहर, देखते हैं। मैंने पहनी है इस टाइप की कुछ ड्रेस, ये गाउन टाइप पहना है। एक्साइटमेंट, बहुत सारी एक्साइटमेंट। How you are feeling? बहुत सारी एक्साइटमेंट है फ्रेंड्स। अब देखो होपफुली हमारी गाड़ी जल्दी से आ जाए और हम लोग पूजा करवाएं जो भी रहता है और घर लेके चले, बस यही एक्साइटमेंट है। हमारी टीम, तो देखो पंडित जी से पूजा कराएंगे हम। सुरेंद्र भैया पूरी फीलिंग लेते हैं किसी भी चीज का, है ना? अच्छा, बकरा हलाल करने से पहले खिलाया जा रहा है।
ये है बकरा। देखो बकरे को पहले चाय कॉफी सब कुछ खिला पिला के देन डिमांडिंग मॉडल है जो आज मैंने परचेज किया। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स। कहना चाहता हूँ मैं इसके लिए आपको और मैं आपको विश करता हूँ कि गाड़ी बहुत लगता है आपके लिए और हमारा ये 90 शॉर्ट्स के लिए आप दूसरे कस्टमर मिले। जी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी सर्विस रही आप लोगों की और हम लोग बहुत हैप्पी हैं। थैंक यू। वेलकम टू यू इन ग्रैंड विटारा रावत जी। ये देखिए फ्रेंड्स, जय श्री शंभू। लो जी लो, जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारी हो चुकी है ग्रैंड विटारा और देखो इधर कैसा फील हो रहा है। अच्छा, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। चलो फाइनली। थैंक यू सो मच भोले बाबा, थैंक यू हमें ये गाड़ी हमें खुशी देने के लिए और ये गाड़ी हमें सुख समृद्धि दे, खुशियां दे और हमेशा अच्छे से रहे और बस ये फीलिंग्स है। नई गाड़ी तो पहले तो हम जा रहे हैं पेट्रोल पंप, क्योंकि पेट्रोल ये बहुत थोड़ा सा देते हैं यार, सिर्फ पेट्रोल पंप तक जाने का देते हैं। फ्यू मिनट्स लेटर अभी पेट्रोल डलाने, देखिए ये है अंदर से कार और पेट्रोल डलाने के बाद हम लोग सीधा जा रहे हैं मंदिर। सबसे पहले करवाएंगे गाड़ी की पूजा और उसके बाद फिर घर। गाड़ी खड़ी है आगे, पंडित जी ने बोला कि ऐसे फेस करके रखनी है तो अभी पंडित जी आ रहे हैं पूजा का सामान लेके। बधाई हो रावत जी आपको, बहुत बहुत बधाई नई कार की और भोले बाबा करे कि आपको ये कार खूब फले फूले और आप इससे भी बड़ी कार लो आगे। पंडित जी ने थाली तैयार कर ली है फ्रेंड्स यहाँ पे। और बस पूजा हो गई और अब चलते हैं घर। कह रहे हैं कि पहले दिन मेरी बीवी थोड़ा छुए इस कार को तो मेरे लिए लकी होगी। फर्स्ट डे थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है क्योंकि नई कार है तो थोड़ा सा है, लेकिन मान नहीं रहे हैं। इन द इवनिंग तीनों बच्चे यहाँ एक्साइटमेंट, तीनों बच्चों को वो देखो पीहू
ठीक है, ताऊ जी की गाड़ी है, देखो मीठी हो मीठी, ठीक है विदांशी, विदांशी ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग जैसे कि आप लोगों ने देखा गाड़ी घर आ चुकी है, और जो तेल वाली रसम होती है हमारे यहाँ कोई भी नई चीज़ आती है तो हम लोग तेल ऐसे आगे, तेल मतलब तेल चुआना बोलते हैं इसको, और कोई नया मेहमान मतलब आई मीन कोई नया घर में सदस्य जब आता है, चाहे वो बच्चा हुआ हो चाहे वो गाड़ी है या कुछ भी है, तो इस तरह से हम लोग थोड़ा शगन करते हैं। तो मम्मी ने वो किया, गाड़ी का वेलकम किया घर में, और पापा मम्मी बच्चे सभी फैमिली मेम्बर्स बहुत खुश है नई चीज़ को देख के, और हम लोग भी बहुत खुश है, और बस सब लोगों में मिठाइयाँ बांटी और मिठाई खाई। और बस ये था फ्रेंड्स आज का ब्लॉग, आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, और इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें दोस्तों, एंड फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।